हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 हमारी चल रही है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कर लिए थे और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के सामने आ चुका है, तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। डिटरमिन द एपी पता करें हुज थर्ड टर्म इज 16, जिसकी थर्ड टर्म हमें 16 दी हुई है, यानी A3 की वैल्यू मुझे 16 दी हुई है एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड दी फिफ्थ टर्म बाय 12। जो सेवेंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, यानी कि A5 में अगर 12 ऐड कर देंगे तो फिर वो सेवेंथ टर्म की वैल्यू बन जाएगी। ओके, हमें पता है इस एक्सरसाइज में An का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए एन होता है, तो हमें इसी फॉर्मूले का यहाँ पर यूज करना है। तो हमें फर्स्ट टर्म तो पता नहीं, यहाँ पर 3 है तो A3 को अपन ए प्लस टू डी लिख सकते हैं, क्योंकि एन माइनस वन है तो 3 माइनस 1 2 होता है इज इक्वल टू 16। दिस इज लेट मी से इक्वेशन नंबर 1। A7 को हम लोग A+6D लिख सकते हैं, A5 को A+4D लिख सकते हैं, +12। A7 की और A5 की हमने इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला वैल्यूज लिख ली। A से A जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो 6D में से 4D माइनस करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 12। तो ये मेरे पास आ गया 2D इज इक्वल टू 12। तो D की जो वैल्यू है वो 12/2 यानी कि इक्वल टू 6 मेरे पास आएगी। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो 6 निकल कर आ गया। अब D की ये वाली वैल्यू 1 में हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। पुट D इज इक्वल टू 6 इन 1। ए हमें नहीं पता, डी की वैल्यू 6 इक्वल टू में 16, तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, और जब 12 को शिफ्ट करेंगे राइट साइड तो फिर 16 माइनस 12 4, यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू 4 है और नेक्स्ट जो डिफरेंस है कॉमन वो 6 आया है। उन्होंने हमें एपी बनाने को कहा है तो हम लोग यहाँ पर एपी फॉर्म कर देंगे। एपी के लिए 4 टर्म्स कैलकुलेट कर देंगे हम लोग। फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 4, ए इज इक्वल टू 4। सेकेंड टर्म कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट में डी ऐड कर दो, तो 4+6 दैट इज इक्वल टू 10। A3 कैलकुलेट करने के लिए A2 में ऐड कर दो, तो 10+6 दैट इज इक्वल टू 16। A4 इज इक्वल टू A3+D यानी 16+6 इज इक्वल टू 22। तो इस तरीके से ये हमारी AP जनरेट हो गई, 4, 10, 16, 22, सो इस तरीके से ये AP सीक्वेंस हम लोगों का डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोगों ने डन किया। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 17 कॉपी कर लिया है, इसको क्लियर करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 ये अपना पेस्ट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी। 20th टर्म हमें पता करनी है,
लेकिन फ्रॉम द लास्ट टर्म, इसका मतलब क्या है, आपका जो फर्स्ट टर्म है जिसे हमने कैलकुलेट करना है 20th टर्म, वो ये वाला होगा, दैट इज 253 होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि अब तक हम लोग जैसे स्टार्टिंग से 20th टर्म या कोई भी टर्म निकालते हुए आ रहे थे, अब इस क्वेश्चन में हमें एक चेंज देखने को मिल रहा है कि आखिरी टर्म से हमें वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए जहाँ पे आपके पास में ये आ जाए फ्रॉम दी लास्ट टर्म लिस्ट, तो हमें कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले तो पहला स्टेप क्या है, रिवर्स दी एपी, इस एपी को रिवर्स कर दें। रिवर्स का मतलब क्या है, इस एपी को हम लोग जो टर्म वाइज है वो रिवर्स कर देंगे ऑर्डर, मतलब लास्ट टर्म फर्स्ट बन गई और फर्स्ट टर्म लास्ट बन जाएगी। तो अब जो एपी ये मेरे पास बन गई है, अब इस एपी के थ्रू मेरा सॉल्यूशन निकलेगा। तो ये जो नई एपी आई है मेरे पास, उसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट टर्म क्या आ गई मेरे पास, 253 हो गई है। डी कैसे निकलेगा, आखिरी की जो टर्म्स है इनको माइनस करेंगे, सबसे पहले आखिरी टर्म लिखेंगे और फिर उससे प्रीवियस वाली टर्म माइनस कर देंगे, तो माइनस का 5। अगर वैसे भी आप कंफ्यूज हो जाओ तो बड़ा इजी है इसको पता लगाना, अगर आपकी एपी कम होती जा रही है जैसे इस क्वेश्चन में, तो डी नेगेटिव आएगा, अगर वो प्लस की होती होगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो फिर डी पॉजिटिव आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको बड़ा ही इजी है इस चीज को आइडेंटिफाई करना कि आपका डी सही निकला है या गलत निकला है। एन नंबर ऑफ टर्म जो है वो 20th टर्म पता करनी है हम लोगों को, 20th वैल्यू, तो ए एन यानी कि A20 की वैल्यू मुझे पता नहीं है। ओके तो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो एन की जगह 20, फर्स्ट टर्म है 253, 20 माइनस वन और डी है माइनस का 5। तो हमने 253 क्यों लिखा, क्योंकि हमें लास्ट टर्म से पता करनी थी, तो जब भी ये सीक्वेंस मिले तो आपको एपी रिवर्स करनी होती है। 253 सेम टू सेम, 20 में से 1 माइनस करेंगे 19, मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5, 19 को माइनस 5 से किया 95, तो वी आर गेटिंग 158। तो 158 जो है वो आंसर आएगा, यानी कि अगर इस एपी से हम लोग पीछे की तरफ जाएंगे तो 20th टर्म पे कौन सी वैल्यू बैठी है, 158 बैठी हुई है और यही हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 भी हम लोगों का डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने अभी आने वाला है, तो मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी ये हो गया है, प्रीवियस के सॉल्यूशन को आप इरेज करें और ये क्वेश्चन नंबर 18 डन। चलिए 18 क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, शुरू करते हैं कि क्या है। द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24। फोर्थ और एट्थ टर्म्स का सम, यानी कि ए फोर प्लस ए एट जो है वो 24 है। सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म, यानी ए सिक्स एंड ए टेन, इनका सम 44 है। 44, 44 दिया हुआ है सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म का। फाइंड फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी, पहली तीन टर्म्स यानी कि ए वन, ए टू एंड ए थ्री हम लोगों को पता करनी है। चलिए ए एन का फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली ए फोर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 3D, और ए एट को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 7D इज इक्वल टू 24। ए प्लस ए
2a 3d plus 7d 10d is equal to 24. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ a6 को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 5d, a प्लस 9d इज इक्वल टू 44. ए प्लस ए 2a, 5d प्लस 9d 14d इज इक्वल टू 44. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. अब हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे. तो 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24 एंड 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44. साइन चेंज, इसको बोलते हैं अपना एलिमिनेशन मेथड. और हम लोग यूज कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन, क्योंकि साइन चेंज करने पड़ रहे हैं. 2a से 2a कैंसिल, 10d में से 14d माइनस करेंगे तो 4d आएगा विद नेगेटिव साइन, 24 में से 44 माइनस करेंगे तो 20, माइनस से माइनस कैंसिल, तो d की वैल्यू आ गई 20/4 इक्वल टू 5. तो यानी कि जो कॉमन डिफरेंस आ गया है वो 5 आ गया है. ए अब d की वैल्यू 1 या 2 किसी में पुट करते हैं. पुट डी इज इक्वल टू 5. लेट मी से मैं फर्स्ट में पुट करता हूँ. तो 2 into a 2a, 10 multiply by d, d की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 24, 10 into 5 50, 50 को जब आप ट्रांसफर कर देंगे तो फिर ये बन जाएगा माइनस का 50, 24 में से 50 गया 26, तो ए की वैल्यू है 26/2 यानी कि माइनस का 13. तो ए यानी फर्स्ट टर्म -13 आ गई, डी की वैल्यू 5 आ गई. अब हमें a1 a2 a3 निकालना है. तो a1 है माइनस का 13, a2 जो है वो है a प्लस डी, तो माइनस का 13 प्लस का 5 इज इक्वल टू माइनस का 8. a3 है a2 प्लस d, माइनस का 8 प्लस का 5 माइनस का 3. तो यानी कि पहली तीन टर्म्स क्या क्या बन गई? माइनस का 13, माइनस का 8 एंड माइनस का 3. तो यही तीन टर्म्स हमने निकालनी थी और ये तीन टर्म्स ही उन्होंने हमसे पूछी हुई थी. तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 डन हो गया. चलिए क्वेश्चन नंबर 19 अब आपके सामने आने वाला है. तो क्वेश्चन नंबर 19 ये मेरा कॉपी हो चुका है और इसको अब आप करेंगे पेस्ट. पहले क्लियर कर दें. ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 आ गया है स्क्रीन के ऊपर. क्वेश्चन क्या है चेकआउट करते हैं. सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज 5000. 5000 सैलरी पर 1995 में सुब्बा राव ने काम करना शुरू किया एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज ईच ईयर. और हर साल 200 रुपये उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट यानी कि इजाफा होता गया. इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7000? तो किस ईयर में उनकी जो इनकम है वो ₹7000 हो गई, ये हमसे पूछा गया है. तो हमारी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उस चैप्टर के अकॉर्डिंगली ए यानी कि जो फर्स्ट टर्म है वो है 5000, यानी कि जो स्टार्टिंग की सैलरी है वो 5000 है. उसके बाद कॉमन डिफरेंस 200, क्योंकि 200 रुपये हर साल इंक्रीज होते जा रहे हैं. तो इसका मतलब है अगर हम लोग सीक्वेंस की बात करें तो फर्स्ट ईयर 5000 रुपीज सैलरी थी, 200 रुपये अगले साल बढ़ जाएंगे, 200 फिर आगे बढ़ जाएंगे. तो मतलब ऐसे करते करते एक बार 7000 भी सैलरी पहुंचेगी. तो वही पता करना है कि कितने सालों में, मतलब ये होगा किस ईयर में होगा.
एन 7000 हो गया, वी कैन से nth टर्म या लास्ट टर्म की वैल्यू। एन हमें पता ही नहीं है कि किस ईयर में ये होगा, तो वही पता करना है। तो यहाँ पे हमें ए एन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। की वैल्यू है 5000, एन हमें नहीं पता, डी है 200 और ए एन की वैल्यू है 7000। तो एन इंटू 200, 200 एन, 1 × 200, 200 इज इक्वल टू 7000। तो 5000 में से 200 माइनस किए तो 4800 यहाँ पर बनता है, इज इक्वल टू 7000। 4800 को अगर 7000 में से माइनस करेंगे तो फिर ये हमारे पास वैल्यू बनेगी 2200। तो एन की वैल्यू जो है वो आ गई 2200 डिवाइडेड बाय 200, दो जैसे 2 जीरो कट गई तो एन जो है वो 11 आ गया। यानी कि 11th ईयर में उनकी जो सैलरी है, इनकम है, वो 7000 रुपी हो जाएगी। तो जैसे 95 से स्टार्ट करेंगे, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005। तो यानी कि 2005 हमारा आंसर, तो हालांकि 11 पे ही खत्म हो जाएगा, मतलब अगर ईयर भी मेंशन करना हो तो 2005 आंसर आएगा। अब आपको कि हम तो अगर 11 जोड़ेंगे तो 2006 बनेगा। आप 1995 को फर्स्ट ईयर मानेंगे क्योंकि यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, हमने 5000 इसको फर्स्ट टर्म माना है, तो इसीलिए आंसर हमारा 2005 पे जाके रुक जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग का डन हुआ। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन हमारा कॉपी हो गया है, तो क्लियर करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 20 हम लोगों के सामने, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 है क्या। क्वेश्चन नंबर 20 है, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर। रामकली ने साल के पहले हफ्ते में ₹5 बचाए एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75, और हर हफ्ते जो सेविंग थी वो ₹1.75 बढ़ाती रही। इन द nth वीक में वीकली सेविंग बिकम्स 20.75। तो मतलब हर हफ्ते, जैसे पहले हफ्ते में ₹5 बचाए, अगले हफ्ते 6.75 बढ़ाए, मतलब बचा लिए। तो ऐसे करते करते एक हफ्ते, मतलब किसी हफ्ते 20.75 रुपीज सेव हो गए। तो आपको वही nth वीक पता करना है कि किस वीक की ये कहानी है। तो एज पर द क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म है हमारे पास 5, कॉमन डिफरेंस 1.75, ए एन की वैल्यू 20.75, एन हमें नहीं पता, जो वीक नंबर है वो हमें नहीं पता, तो हम लोग यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वैल्यूज पुट कर दें, ए प्लस एन माइनस वन 1.75, डी की वैल्यू और ए एन की वैल्यू 20.75। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.75 एन, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम 1.75 इज इक्वल टू 20.75। 5 में से 1.75 माइनस किए तो वी विल गेट 3.25 प्लस 1.75 एन इज इक्वल टू 20.75।
3.25 को हम लोग शिफ्ट करेंगे तो इट विल बी माइनस का 3.25। तो माइनस करेंगे तो 50 और 17, तो एन इज इक्वल टू 17.50 डिवाइडेड बाय 1.75। पॉइंट अगर हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, सिमिलरली पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो दिस इज 10 आंसर। तो इसका मतलब है कि 10th वीक में जो सैलरी है, नॉट सैलरी, सेविंग, वो 20 रुपीज 75 पैसा हो जाएगी जो रामकली ने सेव कर लेने हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20th भी हम लोगों का डन हो गया। एक्सरसाइज 5.2 हमारी फिनिश हुई। आई होप आपको समझ में आई होगी। काइंडली इसकी रिवीजन जरूर करें ताकि ये क्वेश्चंस आपको पक्के हो जाएं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन पढ़ाई भी करते रहें क्योंकि जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।